सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एंड आई होप भाई आप सारे बढ़िया रहेंगे। एंड भाई बढ़िया चल रहे ना। तो भाई रेल सिमुलेटर के और एक न्यू वीडियो में आपका सबका भाई स्वागत है। तो भाई पिछले वाले एपिसोड में देखे थे आप लोग, मैंने इधर पे जो क्रिसमस है वो बहुत ज़्यादा मना लिया था, इधर पार्टी पार्टी करके एकदम। आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हो ना, तो एक काम करो, ये वाला वीडियो पूरा कंप्लीट करने के बाद वो वाला वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो एक काम करते हैं, देखो मैं आपको बोला था कि पीक का बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस है रेन सिमुलेटर के अंदर, एंड इससे भाई आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, एंड ये भी सच है। लेकिन उससे भी पहले मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो और एक बिजनेस है, वो है भाई चीज़ वाला बिजनेस, मतलब पनीर का जो बिजनेस रहता है, ब्लू आप बोल सकते हो, जो ब्लू कलर का चीज़ रहता है उसमें भाई ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। तो वो सब की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप पहले बार खेल रहे हो तो आप सबको भाई पता होगा कि पीक वाला बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट है। आप लोग चिकन फिकन मत खरीदो, डायरेक्ट भाई पीक खरीदो, एंड इससे भाई आप लोग थाउजेंड ऑफ डॉलर्स भाई कमा सकते हो। कैसे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो इधर भाई पहले फोर पीक था, आप लोग भाई पहले देखे थे, जो भाई रेगुलर ये वाला एपिसोड देखते हैं रेन सिमुलेटर के उन सबको भाई पता होगा, तुम्हारे भाई ने सिर्फ चार इधर पीक खरीदा था, दो मेल एंड दो फीमेल। तो इसके अलावा भाई ये धीरे धीरे ब्रीडिंग होता गया, एंड आज जाके ये 27 या 28 भी हो सकता है, मेरे को भाई एग्जैक्ट मतलब पता नहीं है कितना भी पीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, देखो इस साइड में मेरा और कुछ काम नहीं है, एंड आसमान भी भाई आज बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रहा है। तो एक काम करते हैं, उस साइड में जितना पीक है ना लेके हम लोग आज सेल करेंगे, एंड मैं सोच रहा हूँ 10 से 12 पीक आज सेल करूँ। एंड ऑफर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा कोई भी बात नहीं, तुम्हारे भाई ऑफर का जुगाड़ करेगा ही। तो देखो सबको भाई पहले बता दूँ, ये वाला पीक वाला बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस है, इससे भाई आप स्टार्ट कर सकते हो। जो भाई न्यू रेन सिमुलेटर गेम खेल रहे हो ना उसके लिए भाई मैं बता रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, देखो सबसे भाई हट्टा खट्टा एकदम देखेंगे कौन सा वाला है। तो ये वाला, हाँ ये वाला भाई सबसे अच्छा लग रहा है देखने के लिए, इससे भाई बहुत ज़्यादा मेरे को मिलने वाला है। तो चलो एक काम करते हैं, लेकिन ये देखो ये टट्टी भाई ये करना नहीं छोड़ेंगे, इधर बर्फ में भी भाई कैसे टट्टी कर सकता है, इससे भाई सीख लो, सीख लो भाई इससे। तो चलो एक काम करते हैं, इन सबको भाई साफ करते हैं, लेकिन ये साफ करने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो भाई सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट सब्सक्राइब करो भाई। आप लोग सब्सक्राइब करने में भाई बहुत ज़्यादा कंजूसी दिखा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप लोग भाई सब्सक्राइब करो, मैं इधर से देख रहा हूँ, फटाफट भाई सब्सक्राइब करो, एंड बेल आइकन को भाई पूरा ऑल पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये सब तो काम हो चुका है, एंड तुम्हारे भाई अभी एक ट्रिक्स बताएगा, ट्रिक्स देखो। एंड ये वाला जो ट्रिक्स है ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो आपका जो पीक के लिए बार्न हाउस है, तो उसमें भाई आप लोग क्या करते हो, जो गेट होता है ना, गेट से पीक को भाई बाहर निकालते हो, फिर जाके भाई जो ट्रक है या कार है उसके अंदर भाई लोड करते हो, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग करते थे, एंड ऐसे ही आप लोग बहुत सारे बंदे भाई करते हो अभी भी। तो ये ट्रिक्स देखने के बाद आपको भाई ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा, यही ट्रिक्स है। तो ये ध्यान से देखो, तो देखो आपके जो बार्न हाउस है, बार्न हाउस के सामने जो ट्रक है या कार है, कार को भाई खड़ा कर देना, ठीक है, और कुछ नहीं करना। एंड जो गेट है, गेट से भाई आप लोग अंदर चले आना, एंड उससे क्या होगा कि आप लोग देखो इधर एक हट्टा कट्टा पीक मेरे को मिल चुका है, एंड इसको भाई मैं डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट करूंगा हमारे जो ट्रक है, ट्रक के अंदर। तो वो कैसे, देखो जब भी आप भाई ट्रक के तरफ देखोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा ट्रांसपोर्ट टू ट्रक या ट्रांसपोर्ट टू कार ऐसे बोल के। तो ये देखो डायरेक्ट इधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो देखो थोड़ा सा ये देखो डायरेक्ट ट्रांसफर हो चुका है। तो ऐसे ही भाई आप लोग कर सकते हो, एक एक करके भाई पिक को बाहर, गेट से बाहर निकालो। फिर भाई मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि भाई एक बार मैं पिक को बाहर निकालता था तो छोटा वाला पिक है ना वो भी भाई बाहर निकाल जाता था। तो ऐसे भाई बहुत बार हो चुका है। तो ये छोटा सा ट्रिक्स है, एंड जो भाई एंड तक वीडियो देखते हो तो भाई ऐसे तो आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन थोड़ा बहुत तुम्हारे भाई भी ज्ञान दे देता है। तो जय हो, बोलो जय हो।
जय हो रेंज बाबा की, बोलो सब लोग बोलो। तो चलो आज इधर आपको एक टिप्स दे दिया, सब कुछ दे दिया, एंड अभी मेरे को भाई अभी बिजनेस प्लान में भाई बहुत ज्यादा वार्क करना बाकी है। तो कार में तो भाई 4 पीक चला गया है शायद से, एंड अभी मेरे को और भी इधर पीक लेके जाना है, शायद से 12 या 14 भी लेके जाएंगे, कि मेरे को अभी बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, फिर जाके भाई मेरे को बहुत ज़्यादा इधर काम करना है रेंज के अंदर, जैसे कि भाई फ्रंट बनाना है एंड पीछे के साइड में पूरा अभी काम बाकी है। तो ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ भाई कुछ इधर बनाऊँ कुछ खास जो आपको भाई इंटरेस्टिंग लगे। एंड एक काम करते हैं, सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, कौन सा वाला भाई कार में जाए वही मैं सोच रहा हूँ, एंड ये पटाखे भाई साहब। हाँ तो मैं आपको बताना भूल गया कि पिछले वाले जो क्रिसमस की टाइम में आपको पटाखे इधर फोड़ के दिखाया था ना, उसमें भाई मैं गेम सेव करना भूल ही चुका था, मतलब गेम सेव करने के मेरे को याद ही नहीं था। ठीक है तो ऐसे भाई पटाखे इधर है, लेकिन 31 दिसंबर को भाई ऐसा वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा, इधर भाई फटाका आराम से फूट रहा है। तो आप लोग भाई सब्सक्राइब करो एंड भाई बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दो, एंड 1 जनवरी में भाई कुछ वीडियो आने वाला है क्या इस चैनल पे, तो आप लोग भाई कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड उस टाइम मैं आपको दो दो, एक एक नहीं दो दो आपको खुशखबरी दूंगा। आप लोग भाई गेस कर सकते हो चैनल देख के तो कौन सा वाला, तो आप मेरे को बताना। एंड चलो एक काम करते हैं, इधर से एक कार पकड़ते हैं एंड उसको लेके भाई पिक को लोड करेंगे, फिर जाएंगे भाई हमारे रेस्टोरेंट में एंड उधर से भाई हम लोग सेल करेंगे। तो ये वाला कार तो भाई मैंने बहुत कम ही चलाई है, तो मतलब ना के बराबर ही, मतलब डायरेक्ट इधर भाई लोड करने के बाद इधर छोड़ ही दिया है हमारे गैरेज पे। तो इसको लेके हम बाहर जाएंगे एंड देखने में भाई ये बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा है, क्योंकि देखो इधर भाई बर्फ भी गिरा है एंड व्हाइट कलर का कार, एक अलग ही भाई आपको फीलिंग देगा। तो एक काम करते हैं भाई इसको लेके बाहर चलते हैं, एंड इस साइड में रुको, ये वाला जो साइड है ये वाला साइड में एकदम परफेक्ट होगा, तो इसी को भाई इधर ये देखो, ये कार इतना छोटा है, ये छोटा वाला जो वाल है ना, मतलब स्मॉल वाल, इससे भी भाई थोड़ा बहुत इधर दिक्कत हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भाई मैनेज करेगा, ये छोटे वाले ओवल से भी छोटा है ये वाला कार, तो आप लोग इधर देख सकते हो, लेकिन तुम्हारे भाई मैनेज कुछ भी करके इधर करना होगा। तो चलो एक काम करते हैं इसको भाई गेट को ओपन करते हैं, एंड ये गेट भी इधर खुला नहीं रहेगा ना, तो कोई बात नहीं, इधर भाई पिक बाहर नहीं निकल सकता, मतलब 3 इधर वुडन जो क्या बोलूँ वुड है इधर, तो आप समझ सकते हो, तो ये वाला पिक एकदम हट्टा खट्टा लग रहा है, तो इसको लेते हैं। एंड ये वाला इतना अच्छा नहीं लग रहा है, एंड वो पीछे वाला भाई बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा है एकदम, आप लोग देख सकते हो, तो पीछे वाले को लेंगे, एंड देखने में भाई बहुत ज़्यादा ओपी लग रहा था। आप लोग भाई कमेंट सेक्शन में बताओ ये वाला लुक आपको कैसा लगा। एंड चलो ये वाला जो पीक है ना इसको लेके हम लोग जो व्हाइट वाला कार है इसमें भाई ट्रांसपोर्ट करेंगे डायरेक्ट, एंड थोड़ा सा हाँ तो भाई ये आ चुका है, एंड ये देखो डायरेक्ट भाई इधर हम लोगों का जो कार है कार में भाई ट्रांसपोर्ट हो चुका है। तो ऐसे ही करके भाई आप लोग कर सकते हो, ये छोटा छोटा ट्रिक्स भाई आपको गेम खेलते खेलते ही भाई मालूम चल जाता है, एंड आप लोग जितना ज़्यादा खेलोगे ना तो उतना ज़्यादा भाई आप लोग उसमें शॉर्टकट ढूंढने के ट्राई करोगे, ये मतलब होता है भाई हर गेम में होता है। तो चलो एक काम करते हैं बाहर निकलते हैं, एंड बाहर निकलने के बाद ये जो बड़ा वाला ट्रक है ट्रक में, लेकिन इसको पहले देखो गान को पहले रिलोड करेंगे। उधर भाई मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं उधर भाई गान रिलोड करना भूल गया एंड पिक भाई बाहर निकल के एकदम भाग चुका था, ऐसे बहुत बार हो चुका है। तो ऐसे भाई पहले मैं इधर गान रिलोड तो कर लिया हूँ, सब कुछ कर लिया हूँ, एंड लुक देखो इधर भी इसको ठोकेंगे ऐसे, ये देखो पॉइंट एकदम देख पा रहे हो, इधर पेपर में एक न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल आएगा ठीक है कि रेंज गेमिंग ने ठोक दिया एक पिग, वो भी एक गान से। तो चलो एक काम करते हैं, तो इधर भाई फटाफट हम लोग लेके चलते हैं हमारे जो छोटा सा प्यारा सा ट्रक है इसको, ठीक है तो चलो एंड पिग को देख सकते हो भाई कैसा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ अभी सेल करें या नहीं रहा तो, हाँ तुम्हारा भाई जुगाड़ उधर कर लेगा,
थोड़ा बहुत भाई दिक्कत हो सकता है, लेकिन वो कर लेगा। एंड मैं सोच रहा हूँ कोई और घोड़ा बाई कर ले, वही मैं सोचूँ, लेकिन घोड़ा बाई करने से इधर कुछ भाई फ़ायदा नहीं है। इधर जो पीक वाला बिजनेस है ना, ये इनफ है। एंड घोड़ा इतना ज़्यादा आप लोग ट्रेनिंग करना भी पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा भाई दिक्कत होता है। तो छोड़ो वो सब बात छोड़ दो, अभी तो तुम्हारे भाई इधर डायरेक्ट सेल करेगा इधर रेस्टोरेंट में। तो एक एक करके भाई इधर उतारेंगे। एंड इधर रुको, ये वाला जगह एकदम परफेक्ट है। तो इधर कहाँ, एंड अंदर चलते हैं भाई, अंदर में देखते हैं भाई कुछ ऑफर आया है हम लोग पीक के लिए। एंड इधर भाई डायरेक्ट पीक के लिए कुछ ऑफर आएगा तो हम लोग सेल कर देंगे। तो भाई इधर कुछ भी नहीं है, अरे मीट बॉल दे रहा है यार, इधर कुछ भी हम लोग को भाई काम का चीज़ नहीं है। तो एक काम करते हैं कि अभी ये जो इधर काम करने वाला है तो हमेशा भाई इधर काम ही करता रहता है, तो उसको भाई मारो गोली। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ये वाला जो ट्रक है ना, ट्रक को भाई हम लोग रेंज के अंदर लेके जाएं, और इधर जितना भी भाई पीक है, मतलब 4-5 पीक और इधर पकड़ के लेके आएंगे। लेकिन मेरे को और एक इधर काम करना होगा, एक एक जो पीक है ना, पीक को भाई अंदर जाके मारना होगा, फिर जाके भाई मैं लोड करके एकदम आराम से लेके आ सकता हूँ। तो ये तो आ चुका है हम लोग का पीक, तो इसको लेते हैं। एंड ये देखो, ये मरने के लिए भाई पहले ही आ चुका है। देखो तुम्हारे भाई का कुछ इधर करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये सब कुछ तो हो चुका है। एंड इस साइड में तुम्हारे भाई इसको मारेगा, रुको तो गान को निकालने दो। एंड ये रहा भाई, आ जा आ जा, तेरे को पिछवाड़े में नहीं मारेंगे भाई, तेरे को सर पे मारेंगे, इधर आ जा। हाँ तो भाई ये तो हो चुका है, ये तो गया है, पहला विकेट भाई गिर चुका है हम लोग का पिक का। एंड अभी भाई 3 विकेट और भी बाकी है हमारे ट्रक के अंदर, उसको भी इधर गिराएंगे। तो चलो भाई इधर फटाफट बाहर चलते हैं एंड देखते हैं भाई कौन सा वाला पिक अब जाएगा। तो ये वाला सेकेंड वाला पिक भी आ चुका है सेम टू सेम पोजिशन पे, तो इसको भी लेके इधर आते हैं। आ जा भाई आ जा, जल्दी से आ जा जल्दी। ये क्या हो गया, इधर से आ जा, इधर आ जा, इसको लगाते हैं एंड तू भी जाएगा। तो ये सेकेंड विकेट भाई गिरने के लिए तैयार है, एंड ये गया गया, अब चला गया। तो भाई इधर अभी हैट्रिक होने ही वाला है, एंड और एक विकेट मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये रेंज गेमिंग अभी बॉलिंग कर रहा है फटाफट से, एंड थोड़ा बहुत भाई इधर दिक्कत भी हो सकता है आने वाले जो पीक है उसके लिए, लेकिन कुछ ना कुछ इसको भाई बंदोबस्त अभी करना ही होगा, क्योंकि नहीं तो भाई इधर रेंज गेमिंग हार जाएगा। एंड ऊपर में ये क्या करने के लिए चला गया है पता नहीं, हमारा जो बैट्समैन है, तो बैट्समैन अभी ऊपर में क्या कर रहा है, तो आप लोग भाई पहले देखे हो भाई ट्रक के ऊपर पीक, तो आप लोग भाई कमेंट सेक्शन में बताओ। तो भाई ये वाला पीक तो भाई ऊपर आ चुका है, लेकिन भाई ये नीचे नहीं उतर रहा है, तो मैं क्या ही करूँ वही मैं सोच रहा हूँ। फिर भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, आप लोग भाई गेम खेलते रहो तो आपके दिमाग में भाई आइडिया आता ही रहेगा। तो चलो एक काम करते हैं, तो इसको भाई डायरेक्ट जो ट्रक के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कार है ना, कार को ये वाला जो पीक है इसको पहले बाहर निकालते हैं। एंड ये ऊपर में नहीं गया है शायद से, इस साइड में आ चुका है, तो इसको भाई पहले मारते हैं। हाँ ये हमारा 3rd विकेट होगा। एंड जल्द से जल्द भाई मेरे को इस साइड में आ जा, ये वाला साइड में आ जा, अरे इस साइड में आ जा। एंड ये हैट्रिक करने के लिए तैयार, एंड पीक भाग रहा है कुछ भी करके, तो इधर भाई इसको मारेंगे एकदम डायरेक्ट। तो भाई ये मर भी चुका है, एंड इसको भाई पूरा हम लोग स्क्रीन में बदल देंगे। तो भाई ये तो सब काम हो चुका है, एंड अभी तो भाई और एक पीक बाकी है ना, तो उसको भी मेरे को मारना होगा। तो इधर भाई कुछ जुगाड़ हम लोग करेंगे, एंड अभी तो भाई मेरे को इधर 4 पीक हुआ, अभी उधर कितना 6 या 8 पिक लाना बाकी है, देखते हैं भाई कितना पिक इधर ला सकते हैं। तो भाई फटाफट ये वाला जो पिक है ना इसको इधर लेके आते हैं, एंड इसको भाई इस साइड में मार देते हैं, क्योंकि भाई इधर अंदर में नहीं आएगा। एंड इस साइड में एक और पिक इधर मार चुका है ना, तो इधर दिक्कत भी हो सकता है। ये देखो जो पिक है उस साइड में भाग रहा है, तो थोड़ा बहुत तो भाई दिक्कत हो रहा है। तो एक काम करते हैं बाहर ही इसको मारते हैं, ठीक है। तो इसको भाई इस साइड में नहीं आ रहा है यार, नहीं आ रहा है पिक। तो चलो भाई इसको फटाफट मारते हैं, एंड भाई रेंज भी मेरे को जाना होगा फटाफट से। तो भाई चलो इधर भाई फटाफट हम लोग पहुँचते हैं। तो भाई फाइनली उधर जितना भी पीक था 4 पीक को भाई मार के मैं इस साइड में आ चुका हूँ। एंड ये जो 2 पीक आप देख पा रहे हो, तो इसको भी मेरे को भाई लेके जाना होगा। तो चलो इधर भाई फटाफट लेके जाते हैं। एंड अभी तो भाई इधर शाम हो चुका है,
एंड आज इधर कुछ भी ऑफर नहीं है, एंड तुम्हारे भाई इधर टिक्स भी नहीं लगाया है, टिक्स बाद में लगा देगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है, क्योंकि ये जो ट्रक है ना, ट्रक में भाई ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। आप लोग भाई 3-4 कार इधर बाय कर सकते हो तो भाई बाय कर लेना, एंड मैं जानबूझ के नहीं किया हूँ भाई, एक ट्रक से तुम्हारे भाई जुगाड़ करके काम चला लेता है, तो ऐसे ही भाई मतलब मैं जुगाड़ करना भाई ज़्यादा पसंद करता हूँ, ऐसे बात है। तो चलो एंड इस साइड में मैं आपको सब कुछ दिखा दिया, एंड A to Z, एंड बाकी पीक का भाई लुक देखो, एक एक भाई इधर बहुत ज़बरदस्त इधर पीक है। उधर कितना ट्रांसपोर्ट किया मैंने, शायद से 6 या 8 भाई इधर 6 ट्रांसपोर्ट किया, 2 व्हाइट गाड़ी में एंड 4 इधर, तो इसको भी हम डायरेक्ट शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो चुका है 7। एंड ये वाला पीक ज़्यादा मोटा लग रहा है तो इसको पकड़ते हैं एंड इस साइड में लेके आते हैं, एंड इसको भी भाई डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कर देंगे क्योंकि अभी मेरे को भाई बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। एंड ये तुम्हारा भाई गलती कर दिया रे बाबा। तो जो भी बंदे भाई अभी तक ये वाला वीडियो देख रहे हो तो एंड तक भाई ज़रूर आप लोग देखना, एंड मेरे को पता है भाई आप लोग हमेशा देखते हो, तो ऐसे भाई प्यार हमेशा भाई देते रहना, एंड आप लोगों के लिए भाई मैं प्रूफ भी दूंगा एंड में कितना ज़्यादा भाई मेरे को प्रॉफिट मिला इधर से। तो एक काम करते हैं ना, तो ये वाला जो पीक है, पीक को भाई ट्रक के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड अभी भाई बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है तो इसको भाई ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड फिर भी मेरे को ट्रिक्स लगाना होगा उस साइड में, तो ट्रिक्स लगाने के बाद तुम्हारे भाई पूरा एकदम दिखाएगा कितना भाई मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितना पीस उधर पोक है, तो सब कुछ इधर दिखाएगा। तो चलो भाई इधर फटाफट जो ट्रक है ट्रक में लोड करते हैं हमारे पिक को। तो ये रहा भाई, ट्रांसपोर्ट हो चुका है शायद से, तो हो चुका है, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट लोड कर देंगे, तो आ जा। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कर दिए हैं, एंड इधर आप लोग देख सकते हो तुम्हारे भाई ने बहुत ज़्यादा भाई इधर पीक को मार के रख दिया है, एंड अभी दिखाता हूँ इधर भाई कितना ज़्यादा इधर जो पोक है आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हो भाई 247 इधर है, एंड इधर भाई मेरे को $7,410 मिल रहा है बिना ऑफर के, ठीक है। एंड ये जो ऑफर में मिलेगा ना तो ये भाई बहुत ज़्यादा होगा, मिनिमम मान लो ये 12,000 या 13,000 के आसपास हो जाएगा, ऐसे होने वाला है। तो चलो एक बार भाई ऑफर लगाने के बाद आपके साथ बात करते हैं, ठीक है। तो भाई चलो फटाफट लगाते हैं। तो फाइनली दोस्तों उधर तुम्हारे भाई ने जुगाड़ करके पूरा ऑफर लगाने के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई कितना ज़्यादा तुम्हारे भाई को इधर प्रॉफिट हो रहा है। तो एंड तक वीडियो देखना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट करो, तुम्हारे भाई इधर वेट कर रहा है। तो चलो इधर भाई फटाफट आपको दिखाते हैं, एंड इधर भाई ओपन किए हैं, एंड इधर देख सकते हो भाई पोक भी आ चुका है, एंड 1.7 गुना इधर भाई मेरे को मिल रहा है प्रॉफिट। तो ये तो भाई प्रॉफिट मतलब बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो चलो भाई इधर सामने की गेट में चलते हैं, एंड उस साइड से भाई हम लोग एंट्री करेंगे, एंड इधर देखेंगे भाई मेरे को ऑफर लगाने के बाद कितना ज़्यादा मेरे को इधर प्राइस मिल रहा है, मतलब कितना ज़्यादा डॉलर मिल रहा है। तो भाई इधर आप देख सकते हो 12,000 मतलब $12,597, एंड अभी तो भाई कुछ बाकी भी है, मतलब ये आप मान लो 12,500 के आसपास तो भाई इधर ही हो चुका है। तो इधर भाई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो इधर आप देख सकते हो जो भाई इधर पोक बाकी रह चुका है, तो इसके लिए भाई मैं उस साइड में जा नहीं पा रहा था, तो इधर इसको भाई हम लोग रखते हैं, एंड रखने के बाद भाई सेल भी करेंगे। एंड तुम्हारे भाई का इधर मिनिमम 10,000 से ऊपर तुम्हारे भाई का इधर प्रॉफिट हुआ है। तुम्हारे भाई इधर कितना पीक सेल किया मैं आपको बताता हूँ, टोटल 10 पीक इधर सेल किए हैं तुम्हारे भाई ने इस साइड में, तो मैं आपको सब कुछ तो दिखा दिया हूँ, एंड इसको भाई सेल करने के बाद भी मैं तुमको दिखाता हूँ, रुको कितना ज़्यादा मेरे को मिल रहा है इधर। तो आप लोग देख सकते हो मिनिमम ये $460 के आसपास था, तो तुम्हारे भाई का इधर अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, आई होप भाई ये वाला वीडियो आपको बहुत ज़्यादा भाई मज़ेदार होगा, एंड आप लोग भाई बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। आप लोग भाई घर में रहना, सेफ रहना, एंड अभी भाई बहुत ज़्यादा इधर जो कोरोना है वो बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा भाई सावधान रहना। तो चलो बाय बाय।